हम लोग चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक लिया था इनकम्स विच आर टैक्सेबल एज पर कैलकुलेशन। हमने ए पॉइंट लिया था ऐसी इनकम जो कैलकुलेशन के बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ठीक है। उसके अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट गिफ्ट एंड देन सेकेंड पॉइंट इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, ये दो टॉपिक कवर कर लिए थे। ये दो टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। इसके बाद में पॉइंट नंबर थर्ड आता है पॉइंट नंबर थर्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहेंस्ड, या इसकी का दूसरा नाम होता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। हमने पॉइंट कैपिटल गेन के अंदर वैसे भी काफी डिटेल में ही समझा था, स्टिल आई विल शो यू द स्टोरी। आप लोगों ने एक हाउस परचेज किया था, ठीक है। आप लोगों ने एक हाउस परचेज किया, आफ्टर सर्टेन टाइम इट वॉज, आपका हाउस ऐसी जगह पता जहां गवर्नमेंट को जरूरत थी, रोड चोरी करनी हो, ऐसी कोई भी जरूरत हो, ठीक है। हाउस वॉज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। जो हाउस था वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर्ड कर लिया, ओके डन, नॉट ए बिग डील। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कैपिटल गेन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कंपेंसेशन रिसीव। जैसे आपको कंपेंसेशन की पहली इंस्टॉलमेंट मिली, देन कैलकुलेट द कैपिटल गेन। इसके बाद में आपने क्या कर रखा है, आप लोगों ने एक कंप्लेन फाइल करके फाइल कर दिया आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर सम टाइम कंपेंसेशन इंक्रीज्ड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम कंपेंसेशन इंक्रीज्ड रिसीव्ड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन अलोंग विद इंटरेस्ट। चलो सिचुएशन क्या है, हाउस परचेज किया था, हाउस जो था वो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर दिया और उससे हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लिया। अपन ने शूट फाइल किया, शूट फाइल करने के कारण आपको कंपेंसेशन के अमाउंट इंक्रीज होके रिसीव हो गए। जैसे ही आपको अमाउंट रिसीव होगी तो देखो यहां पे दो सिचुएशन होगी, इंक्रीज्ड जो कंपेंसेशन है वो जाएगा कैपिटल गेन में,
और जो इंटरेस्ट है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर. तो द कैलकुलेशन पॉइंट इज कुल मिला के यहां पे कैलकुलेशन पॉइंट क्या है. कैलकुलेशन पॉइंट क्या है, रिसीव्ड अमाउंट माइनस डिडक्शन एट द रेट ऑफ 50% और बची हुई अमाउंट हो जाएगी टैक्सेबल. वेरी सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है. जो इनकम हो अदर सोर्सेज में जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो उसमें से फ्लैट डिडक्शन दो 50% फ्लैट डिडक्शन, ठीक है, और जो बची हुई अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी. आई बात समझ में, यस और नो? यस और नो? यस भैया. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. यस सर. एक एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर ए's प्रॉपर्टी वॉज acquired by government in 1617. Mr. A filed suit and in 1920 he received enhanced the increased amount of compensation rupees 50,000 or 60,000 including 10,000 as interest. So the question is calculate income from other sources. What will be the income from other sources? What will be the income from other sources? ₹5,000. Nice answer. ₹5,000. ठीक है. Income from other sources कितनी आ जाएगी? तो भाई interest received है 10,000, flat deduction कितनी है 50%, that is 5,000, तो taxable हो जाएंगे 5,000. Okay done. Next point number 4. This was your third point. Point number 4. Dividend under section 222E. Dividend under section 222E. ठीक है. तो under dividend कितना होगा under section 222E? होता क्या है? सबसे पहली condition. सबसे पहले कंडीशन एसएससी हैज
पोटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी. सबसे पहले चेक करो SSIS सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी मींस, या फिर चलो उल्टा देख लेते हैं. SSIS has acquired 20% shares in a company. ठीक है, if yes then company has no substantial interest in public. ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया. Public has no substantial interest in company. Public का उस company में कोई substantial interest नहीं है. Then थर्ड कंडीशन, दो बातें ये सोचिए. देखो सबसे पहले क्या चेक करा, एसएससी ने उस कंपनी में 10% शेयर एक्वायर्ड कर रखे हैं. हाँ सर, आपने सबसे पहले क्या चेक करा, एसएससी ने उस कंपनी में 10% शेयर एक्वायर्ड कर रखे हैं क्या? यस. फिर चेक करा पब्लिक का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्या? पब्लिक का उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है. चलो ये पॉइंट भी चेक हो गया. इसके बाद में SSI has taken loan from such company. और SSI ने उस कंपनी से लोन ले रखा है. ठीक है, तीनों कंडीशन चेक हो जाए देन इनकम इज इक्वल टू इनकम all condition satisfied. अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इन दैट केस इनकम क्या होगी, accumulated profit or लोन फ्रॉम, दोनों में से भी जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस. सो द पॉइंट इज, एक नया सेक्शन है डिविडेंड अंडर सेक्शन 222. कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक पॉइंट चेक करो. एसएससी हैज एक्वायर्ड 10% शेयर इन द कंपनी. हाँ सर. पब्लिक हैज नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी. हाँ नहीं है. ठीक है, फिर SSI has taken loan from such company. Yes. Then income क्या होगी? If all conditions are satisfied, then income is accumulated profit of such company and loan from company, whichever is less. जैसे मैं अगर यहाँ पे एक example लूँ, example तो कोई person है Mr. A. 28% equity share of a company, public is not substantially interested. Okay. He took loan from this company ₹40,000 and accumulated profit on that day were ₹30,000.
₹30,000. Find out the taxable amount. Find out the taxable amount. ₹30,000. तो इनकम इज इक्वल टू तो वो क्या हो जाएगी, लोन 40,000, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट 30,000, विच एवर इज लेस, और कम वाली अमाउंट क्या है 30,000. इसी में एक क्वेश्चन है, वॉट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए होल्ड्स ओनली 8% शेयर्स इन दैट कंपनी. अब यहां पे आंसर क्या होगा, यहां पे इनकम इज इक्वल टू क्या होगी, यहां पे इनकम कितनी होगी सर, इनकम होगी 10% से कम है तो इनकम कितनी होगी या नहीं. किसी का भी उस कंपनी में 20% से ज्यादा अगर आप शेयर खरीदे तो, फॉर एग्जाम्पल खुशी, अगर आप श्री सीमेंट में 20% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हो तो आपका श्री सीमेंट में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर करते हो, देन यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मींस आपका उस कंपनी के कोई भी काम हो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहेगा. इंटरेस्ट का मीनिंग आप ये देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट मीन्स नहीं बोलते, हित होता है अपना, कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट देखते हम लोग उस कंपनी में. अगर कंपनी कुछ भी करेगी 1/5 मतलब 20% शेयर आपके पास है, तो एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपका उस कंपनी के जो भी वर्क है, जो भी कामकाज है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका शेयर है, और वो शेयर कितना है, मोर देन 20%. और यहाँ पे इनकम कितनी होगी, यहाँ पे 8% शेयर है, ठीक है, तो no income will be taxable. Okay? ये point number हुआ आपका. Yes sir. 4. Point number 5. हाँ भैया. तो एक बार office ना substantial interest का meaning समझ लो. Substantial interest का meaning एक बार office समझ लो. Actually क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर खरीद लेते हो तो आपका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा उस कंपनी में. अब वो क्या होता है, अब समझना, आपने किसी के 20% से ज्यादा शेयर खरीद लेते, मतलब आप उसमें 1/5 के शेयर होल्डर हो, 1/5 आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपका एक इंटरेस्ट रहेगा. अगर आपने किसी में 1% कर रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2% कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 20% में आपको फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, उसकी हर एक्टिविटी से आपको एक फर्क पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. ठीक है,
अच्छा बुक का क्वेश्चन नंबर 152 इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी नहीं होगा मामला उस क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम का कुछ भी नहीं होगा हमें केवल इनकम बतानी है और इंश्योरेंस प्रीमियम उसका कुछ पार्ट है ही नहीं यू कैन इग्नोर सच इंश्योरेंस प्रीमियम ओके हम उस इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या कर देंगे कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे ठीक है और जो भी आपकी जो बेस है क्या है लोन के अमाउंट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दोनों से जो कम होगा उसको इनकम मान लेंगे ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 accrued interest from NSC 8th issue यहां एक वर्ड फोकस करने वाला है वो है accrued interest एक वर्ड फोकस करने वाला है accrued interest अगर मैं सिंपल इसका कैलकुलेशन पॉइंट ही बोल दूं ज्यादा घुमाए फिराए बिना अगर इसका कैलकुलेशन पॉइंट बोल दूं इनकम इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू लास्ट इंटरेस्ट रेट जो भी आपकी लास्ट इंटरेस्ट रेट होगी उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा अब होता क्या है ठीक है एनएससी क्या होता है एनएससी पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है जैसे हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना वैसे ही एनएससी वगैरह भी होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं वैसे ही एनएससी यूनिट्स वगैरह ये सब भी होते हैं बॉन्ड्स वगैरह जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सारी चीजें तो एक्चुअली क्या होता है सुनना आप लोगों ने जैसे ही एनएससी परचेज किया एनएससी 8th इशू परचेज किया ठीक है जैसे आप क्या परचेज करते हो एनएससी 8th इशू परचेज करते हो ठीक है तो अब यहां पे दो कैलकुलेशन होंगी पहली डिडक्शन अंडर सेक्शन 83 विल बी रिसीव्ड आपको हाथियों हाथ 83 की डिडक्शन मिलेगी एक सबसे बड़ा फायदा तो ये हो गया एनएससी जैसे आप परचेज करोगे उस ईयर में क्या होगा आपके 83 की डिडक्शन मिल जाएगी अब होता क्या है इसके अंदर इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड एवरी ईयर इंटरेस्ट हर साल क्या होता जाएगा कंपाउंड होता जाएगा कंपाउंड का मतलब हर साल बढ़ता जाएगा फॉर एग्जाम्पल पहले साल में 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो दूसरे साल में आपको हो सकता है कि 8 कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल में हो सकता है कि आपको 9% फिर 9 फिर 9 और बढ़ सकता है तो इस तरह से हर बार इंटरेस्ट क्या होता जाएगा कंपाउंड मतलब बढ़ता जाएगा कंपाउंड का मतलब होता है बढ़ना ठीक है एनएससी 8 इशू कराया यश अपन ने ना केवल डायरेक्ट समझावा इसको मैंने लिखाया नहीं था यश एक्चुअली मैंने डायरेक्ट समझा दिया था जब क्वेश्चन किए थे ना अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में काफी जगह पे ही है क्वेश्चन नंबर 6 7 और इवन दो हमने जो असेसमेंट के चैप्टर्स किए थे उसमें भी काफी जगह पे था ये ठीक है ना तो इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड एवरी ईयर ओके होगा क्या एवरी ईयर एंड विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी रिसीव्ड कब होगा वो मैच्योरिटी में रिसीव होगा ही नहीं मतलब एक तरह से आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं
तो आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आपको हर साल इंटरेस्ट तो मिलेगा, पर क्या आपके घर में आ जाएगा वो इंटरेस्ट? नहीं। जैसे आपने आपने दो साल की एफडी कराई तो वो दो साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब मिलेंगे? एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, वैसे ही एनएससी होता है। एनएससी का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 6 साल का। एनएससी 8 का नॉर्मल ड्यूरेशन कब होता है? 6 साल का। तो 6 साल तक वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और आपको सारा इंटरेस्ट मैच्योरिटी मिलेगा। बट इनकम इज टैक्सेबल, इनकम इज टैक्सेबल ऑन एक्रुअल बेसिस। इनकम तो किसके बेस पे टैक्सेबल होती है? इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है एक्रुअल के बेसिस पे। ठीक है, इनकम इज टैक्सेबल टैक्सेबल ऑन एक्रुअल बेसिस। तो इन दैट केस deemed income will be taxable every year. कैसे? Face value into last interest rate. जो भी face value है उसको multiply कर देंगे last interest की rate से। ठीक है, ये एक point होता है। और एक बात तो ध्यान रखनी है, ये वैसे मैं डिडक्शन में कराऊंगा लेकिन फिर भी ध्यान रख लो, ओके? चलो, तो देखो कुल मिला के सारी रामायण इतनी गई फायदा क्यों लेकर है, मैं तो केवल इसको बेस बना लूंगा। इसके अलावा मुझे कोई लेन देना नहीं है। इनकम इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू लास्ट इंटरेस्ट रेट। जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, एग्जांपल सुनना, एनएससी 8 इशू परचेज इन अगस्त 2014 for rupees 40,000, ठीक है? For rupees 40,000 and interest rate is 8.5% per annum compounding basis पे, ठीक है? Compounding half yearly। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 100 फॉर फोर्थ ईयर विल बी टेकन 11.14 रुपीज। सुनना, आपने अगस्त 2014 के अंदर 40,000 रुपए की एनएससी खरीदी जिसकी इंटरेस्ट रेट है 8.5%, जो हाफ ईयरली क्या होती है? कंपाउंड होती है। अब वो कंपाउंड होते होते चौथे साल में वो रेट कितनी हो गई? 11.14। भाई पहले क्या थे, 100 पे 8.5 मिलते थे, फिर आधे साल बाद में 6 महीने बाद में वो कंपाउंड हुई होगी। जैसे 8.5 को अगर मैं कंपाउंड करूं 6 महीने के लिए, 100 into 8.5 1 + 8.05 8.5%
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वो हो जाएगी, वो रेट हो जाएगी 8.97 समथिंग। तो इस तरह से अगर मैं उसको कंपाउंड करते जाऊं तो वो चौथे साल में रेट क्या हो गया 11.14। तो मैं आपसे इतना सा पूछ रहा हूँ, इनकम ऑफ फोर्थ ईयर कितनी होगी, इनकम ऑफ फोर्थ ईयर कितनी होगी? अरे माइक धीरे करो सर। अभी इनकम कितनी होगी, टेल मी फास्ट। तो मान लीजिए 56। और आंसर चैट में देना बोल के नहीं। हाँ। आओ आओ ना सर, इसकी आवाज आ रही पीछे चढ़ चढ़ के। अरे हाँ कोई बात नहीं। भावना क्या कर रहे हो, पे सैल्यू कितनी है दीपिका? भावना क्या कर रहे हो, पे सैल्यू कितनी है? यहाँ पे इनकम क्या होगी, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, फेस वैल्यू इनटू लास्ट इंटरेस्ट रेट। तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 40,000 इनटू लास्ट इंटरेस्ट रेट कितनी है 14.14 फॉर एवरी 100। ठीक है, तो नेट आंसर कितना जाएगा 40,000 इनटू 11.14% 4456। इंटरेस्ट कितना दे रखा है रुपीज 100 फॉर 11.14 फॉर एवरी 100, 100 रुपए के लिए 11.14% है। तो कहना कुछ भी नहीं है, जो भी आपको फेस वैल्यू दे रखी है उसको लास्ट इंटरेस्ट की रेट होती है, एक्चुअली 11.14 लिखा हुआ है बट उसके लिए 100 के लिए है, तो 11.14 एक तरह से परसेंटेज हो गया। That's it for today. I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग इस चीज को थोड़ा सा enjoy कर रहे हो। वैसे पढ़े को कोई enjoy नहीं करता है, but आप लोग थोड़ा सा इस चीज को